वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के हामी। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात का हुक्म वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। बताया दहशतगर्दों और शरपसंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम पर हमलों का खदशा है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स न मिलने की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। इंतखाबात एक साथ करवाने को मौजू करार दिया। वजीर दिफा ने इदारों की जानिब से जजेस को ब्रीफिंग की तस्दीक कर दी। प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में बोले ब्रीफिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक तमाम हालात बताए गए। खुद आसिफ ने कहा इमरान खान लॉबीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिलवा रहा है, इख्तदार के लिए पाकिस्तान के मफादात बेचने को भी तैयार है। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में बोले अगर हुकूमत अदालत का फैसला नहीं मानती, आईन पर चलने को तैयार नहीं होती तो कानून खत्म हो गया, ये सिर्फ मनपसंद आईनी शकों को तस्लीम करते हैं। और कराची के इलाकों साइट और जवाली पुल के करीब डाकुओं ने लूटमार के दौरान मजाहमत पर गोलियां चला दी। पुलिस अहलकार और शहरी जख्मी, जबकि सचलगोट में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार।